है। ओमकार बिल्डर जिसने नाले के ऊपर जो मीठी नदी में जो नाला गिरता है उस नाले के ऊपर बिल्डिंग बना डाली, उन सबके ऊपर इस मल्हार परिवार ने कंप्लेंट दर्ज करके पेनल्टी लगाई लाखों रुपए की पेनल्टी लगाने की वजह से इनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने पुलिस को मारा, जबकि उसके पूरे सीसीटीवी फुटेज है, उसका वीडियो है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद इनको उसमें फंसाने वो केस अभी तक वो लोग ऐसे लटकाए हुए हैं। उसके बाद फिर ओमकार बिल्डर के लोगों ने मिल करके इनको फिर नए पैसे से केस में फंसाया। ये सब होने के बाद वहाँ पर इधर उस एरिए में 30 सोसाइटी जो मतलब सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, उस सोसाइटी का नाम लेकर के कई लोगों की जगहों को लोगों को मतलब जबरदस्ती माडा से अप्रूवमेंट लाकर वहाँ का ये करवाते नीचे कि तुम लोग छोड़ो जगह नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस लगाए जाएंगे। तो झूठे झूठे केस लगाए कितने लोगों के ऊपर, लोगों की जगह खाली करवाई। ये सारी स्थिति होने के बाद जिसका विरोध किया वहाँ के बाबू भाई और कुछ लोगों ने, तो बाबू भाई का मर्डर करवा दिया नगर सेवक सालिम कुरैशी के द्वारा, सालिम कुरैशी और उनके लोगों ने कराया। और जब वो लोग अंदर गए और अंदर से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने झूठे केस में उन लोगों के ऊपर झूठा केस लगा दिया जो लोगों ने आई विटनेस थे जिन्होंने गवाही दी थी कि इन लोगों ने इसका कत्ल किया है बाबू भाई का, उनके ऊपर झूठे केस लगा दिए। अभी कोई कहेगा कि झूठा केस कैसे, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा ये देखिए, यहाँ पर लिखा है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जा रही अवमानना, मतलब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना किया जा रहा है। ये जोन 8 और DCP ये पूरे पुलिसकर्मी सुप्रीम कोर्ट की को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उसको ठोकर पर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पर सभी जगह CCTV फुटेज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बेस्ट एविडेंस उसका उपयोग किया जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है और इतने लेटर दिए गए हैं कि पूछो नहीं। वहाँ पर ये रफीक भाई और इन लोगों के ऊपर जो आई विटनेस थे मर्डर के, उनके उनको फंसाने के लिए उनको डराने के लिए जो झूठा केस किया गया 10 बजे का इंसिडेंट बताया गया, वो कैसे झूठा है उसको समझना है। 10 बजे का इंसिडेंट बताया गया और 15 मिनट के बाद 10:15 बजे FIR दर्ज कर दी गई। और FIR कैसे दर्ज की गई, यहाँ से मतलब इंसिडेंट की जगह से 6.5 किलोमीटर दूर गए अस्पताल जाकर के वापस 6.5 किलोमीटर दूर वहाँ पर इंसिडेंट थाने में आए और यानी वहाँ अस्पताल में जाके जान भी ले लिया। ये सारा काम 15 मिनट में किया गया। जब ये लेटर हम लोगों की तरफ से दिया गया तो वो IO को ट्रांसफर करवा दिया इन लोगों ने, मामले को दबाने के लिए उस IO का ट्रांसफर करवा दिया। मतलब इस तरीके की इस तरीके से पुलिस थाने की ये हालत है और हम लगातार यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर को कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन CCTV फुटेज मोबाइल लोकेशन जो कॉल डिटेल उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मान ही नहीं रहे ये लोग पूरे के पूरे। इसके लिए हमें ये देना पड़ रहा है, कोई पूरी की पूरी फाइल है इसके अंदर एक से दिया है पुलिस वाले ने। वो से क्या बोलता है कि ये जो अपने रफीक भाई है इन्होंने बिना वजह उसका अपने इरशाद का सालिम कुरैशी का नाम बिना वजह डाला है, ऐसा से दे रहा है पुलिस वाला जिसको देने का उसको कोई अधिकार नहीं है। मतलब वो जज बनकर के कहता है कि मैं गलती ये गलत आदमी है। तो इस तरीके का बहुत सारा मतलब मोबाइल लोकेशन कॉल थे जिसकी वजह से चलते पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। वो कोई भी काम इन पुलिस थाने वाले जोन 8 के DCP कर ही नहीं रहे, इनको सीधे जेल में भेजना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। इतना इन लोग हफ्ता खा रहे हैं, इनका हफ्ता रुक रहा है इन लोगों की वजह से, मनिहार फैमिली की वजह से, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर लगातार केस पर केस दुनिया भर के। और अभी पॉस्को लगा दिया पॉस्को, उसमें पूरी तरह सामने CCTV कैमरा है, वहाँ पर मोबाइल लोकेशन कॉल डिटेल सारी चीज़ें मौजूद है, उसके बावजूद झूठा केस लगा करके ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी पूरी पेटिशन टीम हम सब के सब मनिहार फैमिली के साथ खड़े हैं और हमें मालूम है इनके ऊपर झूठे पर झूठ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लगाओ कितने लगाओगे, हम तैयार हैं, इनके साथ खड़े हैं और ये पूरी हम फाइल दे रहे हैं इनको एडिशनल CP को। एडिशनल CP यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, हम उनको फाइल दे रहे हैं और ये पूरा वीडियो हम लोग उनके पास पहुँचाएंगे हम सब मिल करके। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।